एच जनता टेलीविजन अपने देख रहल छी जनता समाचार दुपहर 12 बजे के मैथिली बुलेटिन में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी। सबसे पहले प्रमुख समाचारक शीर्षक सब। प्रधानमंत्री केपी ओली आई सिरहा, चारहल डोम समुदाय के बालिका के स्कूल भरना करार। हड़ताल करबला सार्वजनिक सवारी साधन कब्जा में लेब गृह मंत्री निर्देशन, कब्जा में ल सवारी साधन प्रहरी संचालन करत। एमाले आ माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकता घोषणा, बैशाख 9 गते निर्वाचन चिन्ह सूर्य रखबाक सहमति। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट अंतर्गत मंगल दिन रात भेल खेल में मुंबई इंडियंस विजय। आज जापानी प्रधानमंत्री आबे ट्रंप इस भेंटवार्ता भ्रमण की अमेरिका संग सब समस्या सुलझबाक रूप में देखल जा रहल। हमरा लगन जनता समाचार में छी आप पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आई सिरहा कल्याणपुर के रामदुलारी माविक एक बालिका के स्कूल भर्ना करबाक कार्यक्रम रहले छ। डोम समुदाय की 5 वर्ष की मनीषा कुमारी मल्लिक डोम के प्रधानमंत्री ओली स्कूल भर्ना करबाक प्रधानमंत्रीक निजी सचिवालय जनौने। सचिवालय के अनुसार देशभर में कम साक्षरता रहल डोम समुदायक बाल बालिका के पढ़ लेल अभियान अनुसार प्रधानमंत्री अपने स्कूल पहुँच बालिका के भर्ना कर लागल छथि। प्रधानमंत्री ओली ऐसा आगू मुगू के एक बालिका के स्कूल भर्ना कऽ चुकल छथि। मुगुम कर्माई रोग गांव पालिका के 6 वर्षीय थिलेंगी सांग तमांग के प्रधानमंत्री बैशाख 1 गते स्कूल भर्ना करौने छले। प्रधानमंत्री ओली 2 वर्ष भीतर निरक्षरता हटवाक अभियान घोषणा करैत एक व्यक्ति कमती में एक गोट विद्यार्थीक अभिभावक तो ग्रहण करैत विद्यालय भर्ना अभियान में सहयोग कर अपील कलथि। यही अनुसार मंत्री सांसद तथा कलाकार देश के विभिन्न ठाम के बाल बालिका के स्कूल भर्ना करौने छथि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा आंदोलन करबला सार्वजनिक सवारी साधन सब कब्जा में ल सुरक्षाकर्मी प्रयोग क चलबाक चेतावनी दिलेने। मंगल दिन बैसल मंत्रिपरिषद निर्णय लगते गृहमंत्री रामबहादुर थापा यातायात व्यवसायी सबके हड़ताल में आयल त बस टैंकर लगातक सार्वजनिक गाड़ी कब्जा में ल संचालन करबाक तैयारी अवस्था में रहल प्रहरी के निर्देशन सेहो देने छथि। सरकार सिंडिकेट तोड़लाक बाद यातायात व्यवसायी आंदोलन में जा सकबाक आ ऐसे सर्वसाधारण के दिक्कत नहीं होब देवल लेल बस कब्जा में ल संचालन करबाक तैयार रहल प्रहरी के निर्देशन देने छथि। गृहमंत्री प्रेस सहयोगी किरण भट्ट जानकारी दिलथि। सरकार अत्यावश्यक सेवा ऐन लगाकर बस नियंत्रण में ल सेहो बतौलक। गृह सचिव प्रेम कुमार राय सार्वजनिक यातायात जेहन अत्यावश्यक सेवा अवरोध करबला काज सहन नहीं हेबाक सरकार कड़ा रूप में प्रस्तुत हेबाक चेतावनी देने। एमाले आ माओवादी केन्द्र एकीकृत पार्टीक निर्वाचन चिन्ह सूर्य रहबाक सहमति भेल। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में भिनसर 10 बजे शुरू भेल बैसार बैसाख 9 गते कहल गेल पार्टी एकता घोषणाक सहमति जुट नहीं सकल। एकता संयोजन समितिक बैसार में प्रस्तावक निर्वाचन चिन्ह में सहमति जुटल बैठक में एउटा सुखद समाचार, चुनाव चिन्ह को लाई लिएर कुनै बहस विवादै भएन। अब प्रतिनिधित्व को विषय में भी हमी तो कम्युनिस्ट पार्टी बनाने पोलिटिकल पार्टी बनाने हो, त्यसकारण योग्यता क्षमता पृष्ठभूमि योगदान को आधार में करने हो, कुनै प्रतिशत यति वा यति र यति भन्ने कुरा पनि आएन। तहिना पार्टी एकताक लेल प्रतिवेदन निर्माणक जिम्मा पौने एमाले अध्यक्ष केपी ओली आ माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के लेल देल गेल। दुनू पार्टीक अध्यक्ष विवादित विषय में निष्कर्ष लगाकर पार्टी संयोजन समिति में निर्णय प्रस्तुत करत। दुईटा कार्यदलहरूले वैचारिक राजनीतिक प्रतिवेदन र अन्तरिम विधान तथा संगठनात्मक संरचनाको एकीकरण सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। त्यो प्रस्तावहरूमाथि प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल यस अगाडि नै सुरु भइसकेको हो। आज पनि त्यसमाथि गम्भीर छलफल भयो र त्यो प्रस्तावहरूलाई आवश्यकता भए अन्तिम रूपमा परिवर्तन गरेर पार्टी एकता संयोजन समितिमा पेश गर्ने जिम्मेवारी
दुई पार्टीका अध्यक्षहरूलाई आज दिइएको छ। विवादित विषयमै आ बैसल लागल बैसारमै विचार विमर्श हेत एकता संयोजन समितिमै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल आ माओवादी केन्द्रक नेता द्वय नारायण काजी श्रेष्ठ आ रामबहादुर थापा सदस्य रहल छथि। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा अन्तिम चरणमै पहुँचलैछ। बैशाख 10 आ 11 गते धेर समितिक नियमावली मस्यौदा निर्माणक काज निष्कर्ष लगा सकबाक जनाओल गेलैछ। नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदन संसदमै पेश गरसा आगु सब दलकै सचेतक सङ्घ छलफल विचार विमर्श करबाक समिति जनाउनेछ। प्रतिनिधि सदस्य आप्स प्रधानमन्त्री आ मन्त्री सङ्घ प्रत्यक्ष प्रश्न गर सकत। संसद नियमावली मस्यौदामै उल्लेख कयल गेल नयाँ प्रावधान अनुसार महिनाक पहिला तेसर हप्ता प्रधानमन्त्री संसद सबके जवाब देव पड़त। नियमित संसद बैसारमे कार्यसूचीमे प्रवेश करस पहिने 1 घंटा मंत्री सब जवाब देव पड़त। अही बाहेक शून्य समय वा विशेष समयमे कोनो सांसद सब मंत्री संग प्रश्न रखलक त हप्ता भीतर संबंधित मंत्री वही के जवाब देव पड़त। हरेक शुक्र दिन गैर सरकारी संस्था काम बारे संसदमे छलफल होब नियमावली तैयार भेलैछ। प्रधानमन्त्रीसँग हप्तामा हामीले महिनामा 2 पटक भने जस्तै मन्त्रीहरूसँग चाहिँ प्रत्येक दिन संसदको नियमित बिजनेस कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि 1 घन्टा चाहिँ मन्त्रीहरूसँग पनि प्रश्न उत्तर सेसन चाहिँ हामीले राखेका छौँ। पहिलो 1 घन्टा पछिको दिन चाहिँ गैर सरकारी काम अर्थात् सरकारको बिजनेसभन्दा पनि अरू प्राइभेट मिन्स मान्य सांसदहरूले ल्याएका बिजनेसमा चाहिँ बढी त्यो दिनलाई चाहिँ फोकस गर्ने, चाहे गैर सरकारी बिल होस् वा अन्य विषय हुन्। नयाँ नियमावली अनुसार बैठकी कार्यसूची सांसद सभाक 1 दिन पहिने भेटत। अहिस आगु सांसद बैसार सुरु होबस 10 मिनट आगा कार्यसूची भेटेत छल। फौजदारी राधक मुद्दा लागल सांसद कि निलम्बन विषयमे गलत प्रसार भरल समिति चलाउलकैछ। फौजदारी अभियोग लायक 3 वर्ष वा वयस बेसी कैद सजाय होब सकबाक मुद्दा नैतिक पतन मुद्दा अभियोग लेल पूर्वपक्षक लेल थुनामे राखल गेल अवस्था वा फैसला कार्यान्वयनक चरणमे थुनामे बैसल अवस्थामे मात्र सांसद निलम्बित हैत। विगतमे विधान समिति अन्तर्गत रहल सर्वोच्च अदालत कोनो समिति अन्तर्गत नै रखबाक समिति जनाउनेछ। न्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भमा छलफल गर्दा संसदीय सुनवाई समिति छँदैछ। अरू कतिपय इस्युमा छलफल प्रशासनिक विषयमा छलफल गर्नु छ भने सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन उप छलफल हुँदाखेरि गर्न सकिने नै हुँदाखेरि अहिले त्यो विषय हामीले विगतमा भएको व्यवस्थाभन्दा हटाएर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जो सम्मान गरिमाको कुरा छ त्यसलाई एज इट इज पुरानो एउटा अभ्यास चाहिँ हामीले त्यो चिजलाई चाहिँ राखेका छौँ। अहिस आगो व्यवस्थापिका संसद मार्फतकी 2 समिति घटाएर 10 समिति मात्र सीमित कयल गएछ। महिला सहभागिता 33% होबकेला बाधो आप 3 समितिक महिला सभापति अनिवार्य हैत। नयाँ नियमावली मस्यौदा वर्ष अधिवेशनकै पहिल दिन नै पारित करबाक तयारी रहलैछ। क्यामेरामे शैलेन्द्र गोविन्द आमात्याके साथ पुष्पा केसी काठमाडौँ। हाम्रा लगन जनता समाचारमै छ एखन छोट विश्राम। हाम्रा लगन जनता समाचारमै छ अब बाँकी समाचार। राष्ट्रियता राष्ट्रवादकै सवालमे विभिन्न दल सब एक दोसरके आलोचना करबाक अभ्यास विश्वकै नव नै अछि। मुदा नेपालक हकमे एकैटा मान्यता लक चलल कम्युनिस्ट दल सब समेत समय समयमे कडा रूपसँ एक दोसरके कटाक्षमे उतरैत अछि। प्रधानमन्त्रीक विदेश भ्रमण तुरन्त बाद सबदिन नेपालमे राष्ट्रियताकै चर्चा विषयकै सुरु हुँदैछ। विशेष गर दक्षिणी मित्र भारत भ्रमणके बाद सत्ता एम्हर दलसब अपनेकै कडा राष्ट्रवादीकै रूपमे ठाड होइत सेहो कोनो नव विषय नै अछि। प्रधानमन्त्री केपी ओलीक भ्रमण बाद सेहो पहिनेही जेहन टिप्पणी होब लाग्लैछ। सन्धिमा गल्ती के गरियो र त्यो गल्ती फेरि हामीले पश्चिम सेती यो अरुण अपर कर्णाली सबमा दोहोऱ्याउन थाल्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतका मित्र राष्ट्रसँगक सन्धि सम्झौता ल आपत्ति जनाबकै संख्याकै सेहो कमी नै अछ। पुराना सन्धिक फाइदा बेफाइदा बारे जानकार छ पर वर्तमान नेतृत्वक ओहिके पूर्णावलोकन आ परिमार्जन करैत जवाक धारणा रखैत आयल छ। मैले अध्ययन गरे अनुसार प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले चाहिँ खास गरेर
सन् 1950 को सन्धिमा नै रोमल्ली राखिएको छ। अनि यता कता कहिले भन्नु भने सीमाको कुरा, डुबानका कुरा, सीमा व्यवस्थापनको कुरा भनेर, तर धेरै जसो मेरो अध्ययनमा चाहिँ 1970 को सन्धिमा उनीहरू डुबिराखेका छन्, उत्रिन सकेका छैनन्, के गर्ने हो, कुन दफा हटाउने हो, सुधार गर्ने हो इत्यादि भन्ने। नेपालक विभिन्न 61 स्थानमै भारतसँग सीमा विवाद स्थित सन् 1950 नेपाल भारतक मैत्री सन्धि, टनकपुर सन्धि लगायतक विभिन्न सन्धि सबक नेपालक आसमान रहल कहित विवादक विषय बनेता छ। प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर मारा विकासकले नेता सबके पार्टीसँग ऊपर उठबाक लेल आग्रह कयलनि छ। जिला समन्वय समितिक दाङ आयोजना केने दाङक समृद्धिक लेल दूरदर्शी योजना विषयक अन्तर्क्रियाके सम्बोधन करैत विकासक योजना छनौट कयलासँ सब एकजुट भेल तँ मात्र विकास सम्भव भेल बतौलने छ। हामी कसैले के खोजिरहेका छौँ, कसैले के खोजिरहेका छौँ, आफ्नो इन्ट्रेस्टको आधारमा, आफ्नो रुचिको आधारमा मात्रै बल गरिराखेका छौँ, त्यो कुराको अन्त हुन्छ। र समग्र दामको विकासको निमित्त पञ्चवर्षीय होला, दस वर्षीय होला, दुई वर्षीय होला, एक वर्ष, पाँच महिना, छ महिनामा काम गर्नुपर्ने कामहरू होला, साना ठुला, लघु, मध्य, यो सबै छुट्टिन्छ। विकासमै राजनीतिक नै करबाक लेल सेहो सभामुख माडा आग्रह कयलथि। कार्यक्रममे प्रदेश नम्बर 5 मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलक दाङ समृद्धिक लेल अपने कोनो कसर बाँकी नै रखबाक सेहो बतौलथि। मुख्यमन्त्री पोखरेल तुलसीपुरमे रहल राप्ती अञ्चल अस्पतालक स्तर वृद्धि कऽ प्रदेश स्तरीय अस्पताल बनेबाक बतौलथि। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान केन्द्रको संरचनाका रूपमा रहनेछ, त्यसलाई कसले बलियो पार्ने भन्ने कुरामा प्रतिनिधिसभाका मान्य सदस्यहरूको ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो। त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो शासन सम्पन्न गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनु पर्यो। तुलसीपुर अञ्चल अस्पतालको रूपमा रहेको त्यो अञ्चल अस्पताल सम्भवतः भविष्यमा प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा रहनेछ, त्यो प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीको विषय रहनेछ। त्यस अर्थमा हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नेछौँ। विकास पहुँचक आधारमा नै भ समानुपातिक ढङ्गसँग करबाक लेल सेहो मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रतिबद्धता जनौलथि। नेपाली सभा उपचारक लेल भारत, थाइल्यान्ड लगायतक अन्य देशमे जाइपर्बाक बाध्यताक अन्त भेल मेडिसिटी अस्पताल जनौलकै छ। मेडिसिटी अस्पताल स्वदेशमे सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमे लौनेछ। नेपाली सभा उपचारक लेल विदेश नै जाइपर्बाक बताउनेछ। र सम्पूर्ण नेपाली आफ्नो स्वास्थ्यको जिम्मेवारी नेपाल मेडिसिटी अस्पताललाई दिनुभए खण्डमा हामी यहाँ नेपालीहरूको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिन तयार छौँ। प्रत्येक वर्ष 2,00,000 नेपालीहरू चाहिँ विदेश गइरहेछन्, 90% भारत जान्छन्। यो क्रम अब रोकिने अवस्थामा छ, हामीलाई यसलाई अभियानको रूपमा लगिरहेछौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घक संस्थापक डाक्टर उपेन्द्र महतोक लगानीमे सञ्चालनमे आयल नेपालकै सबसँ नम्हर नेपाल मेडिसिटी अस्पताल ललितपुरक नखुमे सञ्चालनमे छ। एक अस्पताल एक डाक्टर नीति अपनाउने अस्पताल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग छोट समयमे एक ग्रेड पाव सफल भेलै छ। आब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा उत्कृष्ट सेवाका साथ निरन्तर अघि बढ्दै लुम्बिनी विकास ब्याङ्क निरन्तर सहयात्रा। चीन सरकारक सहुलियत ऋणमे उपलब्ध भेल दुटा विमान नेपाल वायु सेवा निगमके हस्तान्तरण कयल गेल छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमे मङ्गल दिन एक कार्यक्रम बीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी आ नेपालक लेल चिनिया राजदूत यु होङ विमानक संयुक्त उद्घाटन कयलथि। कल साइन 9AKU आ 9AKV विमान करिब 1.5 महिना पहिने काठमाडौँ आबि गेल छल। अहि विमानक यात्रु क्षमता 17 सिटक रहल छैक। 2 सहित 6 चिनिया विमान नेपाल आबि चुकल छ। 6 विमानमेसँ 2 विमान Y-12 आ MA-56 सिटक क्षमताक विमानक चीन अनुदानमे लौनेछ त बाँकी 1 MA-60 आ 3 Y-12 क 4 विमान सहुलियत ऋणमे खरिद कयल गेल निगम जनतब देनेछ।
विक्रम सम्बन्ध 2069 सालमै नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच प्रत्यक्ष सम्झौता बेमोजिम कुल 6 जहाज नेपाल वायु सेवा निगम लेवाक आ वहीमे 2 अनुदान आ 4 सहुलियत ऋणमे लेवाक सहमति भेल छल। चीन सरकार बाँकी 2 विमान सेहो हस्तान्तरण कला बाद नेपालक आन्तरिक उड्डान निख्यात से आशा कयल गेल छ। महाप्रबन्धक सुग्रतन कन्साकर जानकारी दिलथ। यो आजको सेरेमनी भनेर चाहिँ अब यो 5-6 वर्ष पहिले एउटा सम्झौता भएको थियो चीन सरकार र नेपाल सरकार बीचमा 6 हवाई जहाज ल्याउनेमा। अब आज चाहिँ पछिल्लो 2 आएको, अब 6 चाहिँ आइसकेका छ। निगमक पुरान 309 विमान आन्तरिक उड्डानक लेल अन्तर्राष्ट्रिय दिश 1 बोइङ आ 2 एयरबस A320 उडान गरेत आएल छल। हाल निगम देशकै विभिन्न 20 ठाउँमे आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिश विभिन्न देशक 8 गन्तव्यमे नियमित उडान गरेत आइ रहल छ। पछिल्ला वर्ष नेपालमे 10 लाख से बेसी पर्यटक आएल छ। नेपाल पर्यटन बोर्डक अनुसार यी संख्या एखन धरि उच्च रहल छ। नेपाल सरकार 2055 भिजिट नेपाल रूपमे आयोजनाको 10 लाख पर्यटक लेबाक लक्ष्य लेने छल। बहुत लम्बा समय धरि सरकारी लक्ष्य पूरा होब नै सकल, मुदा नेपाल पर्यटन बोर्डक विवरण अनुसार पछिल्ला 10 वर्षमे 10 लाख से बेसी पर्यटक आयल तथ्याङ्क छ। यी तथ्य हाल धरि सबसे ऊपर रहेछ। सीमित पूर्वाधार आ विभिन्न अस्थिरता बीच उल्लेखनीय संख्यामे पर्यटक बढलमे पर्यटन क्षेत्रमे नेपाल नम्हर सफलता पाउनेछ। 3 तहकै निर्वाचन सम्पन्न भेल आ राजनीतिक स्थिरताक कारण सेहो पर्यटक संख्या बढल पर्यटन बोर्ड जन्मैतै छ। पर्यटक बोर्ड पर्यटन विभागक अनुसार वर्ष 2074 बहुत उत्साह उपलब्धिमूलक भेल दावी केने छ। पर्यटन क्षेत्रकै हाल धरिकै सबसे नम्हर सम्मेलन हिमालयन ट्राभल मार्ट 2017 काठमाडौँमे सम्पन्न भेल छल। अहि वर्ष पर्यटन क्षेत्रमे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै सम्मेलन तथा कार्यक्रम भेल छल। अहिसँग बेसी स बेसी विदेशी पर्यटक आकर्षण गर मद्दत पहुँचल अछि। नेपालक समग्र पर्यटन प्रवर्धनक जिम्मा लेने नेपाल पर्यटन बोर्ड सेहो 2074मे अपन प्रवर्धनात्मक अभियानकै फरक शैलीमे तीव्रता दिने सेहो पर्यटनमै वर्षकै रूपमे स्थापित कयने छ। 10 लाख पर्यटक लाभ सफल भेला बाद नेपाल पर्यटन बोर्ड 2074 सालसँग वर्षा आ ठण्डी गर्मीकै प्रवर्धनका पर्यटकक आकर्षण करबाक योजना अनुरूप अभियान चलाओल गेल बोर्ड जनल कैसम। 2074 वर्षक शुरुआतमे पर्यटक उल्लेखीय आवागमन पर्यटनमे थप उत्साह जाग्लै छ। पदयात्रा पर्वतारोहण मुख्य नियाममे एखन उल्लेखीय संख्यामे आरोही तथा पदयात्री विभिन्न मुलुकसँ आइलै छ। अहि याममे मात्र 60% से बेसी होटल बुकिङ भ चुकलै छ। अहिके साथै वसन्त ऋतुमे सर्वोच्च शिखर सागरमाथा सहित हिमालय आरोहण करबला एखन धरि 649 आरोही आइलै छ। रूपक कुलाल, काठमाडौँ। हमरा लोकन जनता समाचार में छी एखन छोट विश्राम। हमरा लोकन जनता समाचार में छी आप खेलकूद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट अन्तर्गत मङ्गल रात भेल खेलमे मुम्बई इन्डियन्स विजय भेलै छ। मुम्बईकै वाङडे स्टेडियममे भेल खेलमे घरेलु टिम मुम्बईकै इन्डियन्सकै टस हारिकऽ ब्याटिङ कयने छल। मुम्बई 20 ओभरमे 6 विकेट गुम्बैत 213 रनक मजबुत योगफल तयार पार सफल भेल छल। 0 रनक अवस्थामे 2 विकेट गुमाकऽ मुम्बई कप्तान रोहित शर्मा आ इभिन लुइसकै 3 विकेटक लेल 108 रनक साझेदारी कला बाद टिम मजबुत स्थानमे पहुँचल छल। रोहित शर्मा 52 बलमे 94 रनक योगदान देने छल त लुइस 65 रन बनाब सफल भेल छल। बॉलिङ दिस उमेश यादव आ कोरे डर्सन 2-2 विकेट लेलन। 204 रनक विशाल लक्ष्य पछुके पाछु करैत बेङ्गलोर 20 ओभरमे 8 विकेट गुम्बैत 167 रनमे समेटल छल। विराट कोहलीक 92 रनक अभिजित योगदान देने छलथ।
मुदा अन्य खेलाडीकै प्रदर्शन निक नै रह सकल। बॉलिंग दिस कुणाल पांड्या 3 विकेट लेने छल त जसप्रीत बुमराह आ मिचेल म्याकलेन 2-2 विकेट लेने छल। पहिल जित हात लेने मुम्बई अंक तालिकाक दोसर अंक बनाउनेछ त बेंगलोर सेहो 2 अंक बनाउनेछ। आब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानक प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे मंगल दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेटवार्ता करबाक लेल फ्लोरिडा रिसोर्टमे पहुँचल छथि। अपने देशमे नम्हर विरोधा कानूनी विवादक सामना कऽ रहल आबेक लेल अही बेरक अमेरिकी भ्रमण अत्यन्त महत्वपूर्ण मानल जा रहल अछि। 2 दिने भ्रमणक प्रमुख उद्देश्य उत्तर कोरिया व्यापारिक मुद्दामे अमेरिकीसँग निश्चित विचार विमर्श करबाक कार्यक्रम रहल बताओल जा रहल अछि। भ्रष्टाचार काण्डक कारण प्रधानमन्त्री पद समेत संकटमे परल समय उपर उत्तर कोरिया आबेक लेल दोसर नम्हर चुनौतीक विषय बनल अछि। दक्षिण कोरिया अमेरिका किमसँग भेटवार्ता करबाक सहमति करसँ पहिनेहे जापान सेहो एहि मुद्दामे आगू देखल गेल अछि। प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नेसँ आबे ट्रम्पसँग अत्यन्त निकट सम्बन्ध रखैत अयला बादो अन्तिम समयमे ट्रम्प जापानक साथ छोड्ने छल। तहिना कऽ व्यापार क्षेत्रमे सेहो अमेरिकी शुल्क वृद्धिक शिकार बनि रहल जापान आ अमेरिका बीचक सम्बन्ध बिग्रति गेल अछि। आबेके भ्रमणके अमेरिकासँग सब समस्या सुलझाबके आ उत्तर कोरियाक मुद्दामे सेहो जापानके आगू बढेबाक लेल उपयोग कयल जेबाक आबेके कहबै छ। समाचारक अन्तमे प्रमुख समाचारक शीर्षक सब फेरसँ एकबेर। प्रधानमन्त्री केपी ओली आइ सिरहा जारहल डोम समुदायके बालिकाके स्कूल भर्ना करता। हड़ताल करवला सार्वजनिक सवारी साधन कब्जा मेले गृहमन्त्रीक निर्देशन कब्जा मेल सवारी साधन प्रहरी सञ्चालन करत। एमाले माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकता नगते हेबाक कहल गेल बाधो सहमति जुटन नहि सकल निर्वाचन चिन्ह सूर्य रखबाक सहमति। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के अंतर्गत मंगल दिन रात भेल खेल में मुंबई इंडियंस विजय 2 अंक बनौलक। आज जापानी प्रधानमंत्री आबे आ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बीच भेटवार्ता भ्रमण के अमेरिका संघक सब समस्या सुलझबाक रूप में देखल जा रहल। एखन लेल मैथिली समाचार एतबे। हमसब अविराम अनुकूर्णीय अभ्यासमे छी। जनता द्वारा जनता लेल प्रसारित जनता टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।